हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं इस लॉकडाउन के टाइम में आपके लिए लेके आई हूँ फ्री ऑनलाइन क्लासेस फॉर स्पेशली फॉर राइटिंग। डोंट वरी, वी आर गोना हैव क्लासेस फॉर स्पीकिंग एंड रीडिंग आल्सो, बट पहले हम राइटिंग की बात करते हैं। टुडे इज आवर डे वन। आई हैव डिसाइडेड कि हम टास्क टू डिस्कस करेंगे। वरी, वी विल हैव द क्लासेस फॉर टास्क वन ऑल्सो। सो दिस इज आवर डे वन। सो आज के लेक्चर में हम जो चीज़ें कवर करने वाले हैं वो 90% स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि दी ये तो हमें ऑलरेडी पता है, सो इस ये हम लेक्चर क्यों सुने। सो बट ये चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ दैट विल गिव यू द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन। पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि टास्क टू में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्वेश्चंस आप ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करने से आप जो मेरे पास बहुत सारे बच्चों का क्वेरी आती है कि दी हमें समझ तो आ गया टॉपिक क्या था, पर ना हमें ये नहीं पता चला कि लिखना क्या है। सो जो क्या लिखना है वो आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में समझ आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं पैरामीटर्स। ना अगेन आप लोग बोलोगे कि दी हमें पैरामीटर्स पता है, चार ही तो पैरामीटर्स होते हैं। गाइस, मैंने क्यों डाला है ये कंटेंट स्पेशली फर्स्ट लेक्चर में, बिकॉज जितनी भी राइटिंग्स मैं आप लोगों की चेक करती हूँ, जो लोग ऑलरेडी मेरे साथ कनेक्ट हैं, जो मुझे अपनी राइटिंग्स भेज चुके हैं, उनको पता होगा दैट आई गिव देम बैंड स्कोर 6, 6.5 और 7, एंड आई ऑलवेज टेल देम दैट यू आर लैकिंग इन योर पैरामीटर्स। सो वो चीज़ यहाँ से क्लियर होगी। जो बच्चे स्पेशली 5.5, 6 या 6.5 पर अटके हुए हैं और उनके राइटिंग में ज़्यादा बैंड्स नहीं आते हैं, उनको पैरामीटर्स से समझ में आएगा, ओके। लास्ट विल बी योर क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। जो मुझे कॉमन क्वेश्चंस आए हैं मैं उसके आंसर दूंगी, और इस टॉपिक के रिगार्डिंग, इस लेक्चर के रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेरीज होंगी वो जो आप मुझे व्हाट्सएप करोगे या मैसेज करोगे या कमेंट करोगे वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी, ओके। सो लेट्स मूव ऑन। सो पार्ट वन, आई बी वेरी क्विक। सो पार्ट वन हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। देयर आर बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ओके, फोर। सो पहले होते हैं हमारे ओपिनियन, ओके। नेक्स्ट इज डिस्कशन, ओके। नेक्स्ट इज दोनों का कॉम्बिनेशन विच इज ओपिनियन एंड डिस्कशन बोथ, ओके। एंड लास्ट इज योर सिचुएशन। सो पहले हम टॉपिक वाइज चलते हैं। ओपिनियन का कीवर्ड होता है और। यस, ये जो और है ना, ये जिस भी आपको उसमें और नजर आ जाए ना, उसमें वो आपसे आपका ओपिनियन मांग रहे हैं, ओके। जैसे कि डू यू एग्री और डिसएग्री, इज इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, ठीक है। सो ये जो और है, ठीक है, ये जो और है ये आपको ये बताता है कि आपने एक चीज चुननी है, या आपने एग्री की तरफ जाना है या आपने डिसएग्री की तरफ जाना है। डोंट वरी, आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ दिस आल्सो। से और की एग्जांपल ले लेते हैं हम। या मोबाइल फोन्स, और boon boon or curse. Now boon is ashirwad and curse is abhishap. So mobile phones are boon or curse. So यहाँ क्या है हमारे पास, और। ये और का मतलब ये है कि आपने ये बताना है, ये चूज करना है कि मोबाइल फोन अच्छे हैं या बुरे हैं। सो आपको दोनों में से एक चीज पे लिखना है, ठीक है। ये जो आप कंफ्यूज हो जाते हो ना कि एग्री डिसएग्री कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं क्या लिखें, सो जहाँ पे भी आपके पास क्वेश्चन में और है आप हमेशा एक साइड चूज करोगे, ओके। नेक्स्ट इज अप टू व्हाट एक्सटेंट। इसमें जो एक्सेप्शन आती है, अप टू व्हाट एक्सटेंट में आप पार्शियल हो सकते हो, बट एक छोटा सा सजेशन गाइस, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि पार्शियल मत हो। क्योंकि आप लोग क्या करते हो ना, जो कॉमन मिस्टेक में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है मुझे, आप पार्शियल होने में अपना ही पॉइंट कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हो। जैसे ये मोबाइल फोन्स वाले ले लेते हैं, आप लोग ये लिखते हो मोबाइल फोन्स हैज़ डिक्रीज द बैरियर्स ऑफ डिस्टेंस और हैज़ एलिमिनेट द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ये आपने प्रोज में लिख दिया उसके बून में। अब आप कर्स में लिख देते हो दैट मोबाइल फोन हैज़ डिस्टेंस्ड
एवरीवन. और यू विल गिव द एग्जांपल कि मोबाइल फोन ज़्यादा यूज़ करने से बच्चे गेम ज़्यादा खेलते हैं तो घर पे ही रहते हैं, उनकी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती. सो अगेन यू कॉन्ट्रडिक्ट योर पॉइंट कि वो एक तरफ आप कह रहे हो कि वो अपना कम्युनिकेशन बैरियर खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हो कि वो घर पे ही रहते हैं, दैट मीन्स वो फिजिकली किससे मिलते नहीं है. सो ये आपका अपना पॉइंट कॉन्ट्रडिक्ट हो जाता है. सो नेवर 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 बी पार्शियल अंटिल अनलेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स आपके पास है ही नहीं कोई और ऑप्शन. डिस्कशन, डिस्कशन का कीवर्ड होता है एंड. ओके, जिस भी क्वेश्चन में आपके पास एंड हो दैट मीन्स आपने दोनों डिस्कस करने हैं, जैसे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. ओके, डिस्कस बोथ, दोनों. ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि आपको दोनों डिस्कस करने हैं, एडवांटेजेस भी डिसएडवांटेजेस भी, या डिस्कस बोथ व्यू पॉइंट्स भी. ठीक है, जैसे अब यहाँ पे आपके पास क्या था, मोबाइल फोन इज अ बून और अ कर्स. अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सेम क्वेश्चन, सिर्फ चेंज हो जाएगा हल्का सा, दैट मोबाइल फोन आर बून एंड कर्स. ओके, मैंने साइन डाला, आप लोग को साइन डालना अलाउड नहीं होता. ठीक है, सो मोबाइल फोन आर बून फोन, सॉरी, मोबाइल फोन्स आर बून एंड कर्स. सो अब ये एंड आ गया मीन्स आपको दोनों डिस्कस करने हैं, बून भी और कर्स भी. सो आप एक बॉडी पैराग्राफ पॉजिटिव का बना सकते हो, एक बॉडी पैराग्राफ नेगेटिव का बना सकते हो. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड थिंग विच इज दिस ओपिनियन एंड डिस्कशन, जिसमें आपको क्या होता है कि आपको दोनों चीज़ें करनी होती है, यू हैव टू डिस्कस ऑल्सो एंड यू हैव टू गिव योर ओपिनियन ऑल्सो. ओके, सो जहाँ पे आपको डिस्कस करना है ऑब्वियसली डिस्कस बोथ व्यू पॉइंट्स एंड गिव योर ओपिनियन, और आर एडवांटेजेस आउट वे द डिसएडवांटेजेस. आउट वे मीन्स आप कह सकते हो कि मोर. ठीक है, आर एडवांटेजेस आर मोर देन द डिसएडवांटेजेस. ठीक है, यहाँ पे आउट वेइंग आना था, सॉरी फॉर द मिस्टेक. सो दोनों चीज़ें, जहाँ पे ओपिनियन एंड डिस्कशन दोनों ज़्यादा, दोनों चीज़ें आ जाती हैं, बोथ व्यू पॉइंट्स बॉडी पैराग्राफ्स में दोनों व्यू पॉइंट एक्सप्लेन करो और अपना ओपिनियन आप कंक्लूजन में दे सकते हो. ठीक है, बॉडी पैराग्राफ वन में एक एक बता दो, बॉडी पैराग्राफ टू में दूसरा बता दो और कंक्लूजन में अपना ओपिनियन दे दो. ठीक है, बट एडवांटेजेस आर मोर देन डिसएडवांटेजेस, जब ऐसा आ जाए तो आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों डिस्कस करनी है. बट यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो चीज़ आपको मेन ध्यान में रखनी है कि अगर आप एडवांटेजेस की तरफ चूज कर रहे हो कि येस एडवांटेजेस आर मोर. ठीक है, सो आप फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में इसकी एडवांटेजेस दोगे. ठीक है, एंड सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में आप इसकी डिसएडवांटेजेस दोगे बट इतनी ज़्यादा नहीं. ठीक है, आप इसकी जो डिसएडवांटेजेस दोगे वो इतनी ज़्यादा नहीं दोगे. ठीक है, मीन्स मिनिमल डिसएडवांटेजेस, एंड देन इन कंक्लूजन यू विल गिव योर ओपिनियन, यू विल रीस्टेट योर ओपिनियन दैट येस येस इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं बट एडवांटेजेस ज़्यादा हैं. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट विच इज सिटुएशन. ये होते हैं हमारे प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन. इसका तो नॉर्मल है, कॉज एंड सॉल्यूशन, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन. दे विल गिव यू अ सिटुएशन एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन इट. जैसे अभी हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, दिस COVID-19 के कॉजेस क्या हैं और पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हैं. ठीक है, सो आप फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में कॉजेज बता दोगे. और गाइज एक चीज़ का ध्यान रखना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक देखती हूँ मैं, कि आप कॉजेज कुछ और लिख देते हो और सॉल्यूशंस कुछ और लिख देते हो. नो, वॉट एवर कॉजेज यू आर गिवन यू हैव टू गिव द सॉल्यूशन फॉर दिस. दिस इज इट, दिस इज द फोर टाइप्स. आई होप आपका जो मेजर पॉइंट था कि दी हमें कन्फ्यूजन होती है कि किस में क्या लिखना है, क्या चूज करना है, तो वो अब आपको क्लियर हो गया होगा. इफ इट इज अ ओपिनियन यू हैव टू चूज वन साइड ऑफ इट. ओके, वॉट एवर योर क्वेश्चन इज, मीन्स अगर और दिया गया हो. इफ इट इज अ डिस्कशन दैट मीन्स एंड, यू हैव टू राइट अबाउट बोथ द टॉपिक्स. ओके, if it is opinion and discussion you have to discuss both. okay, first like in body paragraph and then you have to give your
गिव योर ओपिनियन इन कंक्लूजन और इन बॉडी पैराग्राफ 2 और 3 जैसा भी आपको लगे, बट पहले आपको दोनों डिस्कस करने हैं. ओके, एंड लास्ट वन इज सिटुएशन. सिटुएशन मीन्स कॉज एंड सॉल्यूशंस. ये आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन पे आएगा, ठीक है, पर्टिकुलर सिटुएशन पे आएगा, तो आपको उसके कॉज एंड सॉल्यूशन बताने हैं, जैसे कि वाटर पोल्यूशन क्यों हो रहा है और इसके क्या सॉल्यूशंस हैं. ओके, सो मूव ऑन टू द पार्ट टू. बट आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि अगर आप मुझसे 1-to-1 क्लासेस लेना चाहते हो, देन डू कॉन्टैक्ट मी पर्सनली, आइदर व्हाट्सएप मी और डीएम मी. ओके, सो वील कंटिन्यू दिस. आर सेकेंड पार्ट इज पैरामीटर्स. ओके, नाउ अगेन वाई पैरामीटर्स आर इम्पॉर्टेंट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. सो नेक्स्ट इज आर 4 पैरामीटर्स. फर्स्ट इज टास्क रिस्पॉन्स, सेकेंड इज कोहेजन एंड कोहेरेंस, थर्ड इज ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी, एंड फोर्थ इज लेक्सिकल रिसोर्सेज. नाउ गाइज, I am going to take your further classes on the basis of these parameters only. क्योंकि believe me, अगर आपको ये parameters अच्छे से समझ में आ गए ना, even a person who don't have that much experience in writing, वो भी बंदा 7+ score कर लेगा, ठीक है. So let's see. Our first is task response. टास्क रिस्पॉन्स मीन्स वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, ठीक है. इसमें बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं. सबसे पहले तो आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि रिस्पॉन्स मीन्स जो भी पूछा गया है आपको सारा अच्छे से एक्सप्लेन करना है. मीन्स जो अभी मैंने टाइप्स बताए उसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी चीज़ क्या मांग रही है आपसे. ओके, सो दिस. नेक्स्ट इज योर थिंकिंग, योर इनसाइट. What is that? कि अपने जो आप आइडिया देने वाले हो उसको जस्टिफाई करो और डेवलप करो. मीन्स इस तरीके से लिखो कि वो प्रोफेशनल लैंग्वेज में तो हूँ बट उसको एक ले मैन भी समझ पाए, मीन्स एक नॉर्मल इंसान भी समझ पाए, एंड जस्टिफाई योर पॉइंट विद एग्जाम्पल. थर्ड थिंग इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक, वर्ड काउंट. यू हैव टू राइट 250 वर्ड्स. 250 वर्ड्स से एक वर्ड भी कम, अगर ये 249 भी हो गए ना, ठीक है, तो आपके बैंड स्कोर कम हो जाएंगे. यू हैव टू राइट 250 और मोर वर्ड्स. ओके, सो दिस इज द टास्क रिस्पॉन्स थिंग. डोंट वरी, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द पैरामीटर्स इन डिटेल. ओके, सो देन वी विल कंटिन्यू. ओके, सो द नेक्स्ट पैरामीटर इज कोहिजन एंड कोहेरेंस. अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि हम हर पैरामीटर अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, सो डोंट वरी. सो कोहेजन मीन्स आप कितने अच्छे से अपने आइडियाज और पैराग्राफ्स को कनेक्ट करते हो. इसके लिए आप कनेक्टर्स यूज कर सकते हो, राइट. सो कनेक्टर्स, जस्ट लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन. दैट मीन्स आप कनेक्टर्स कितने अच्छे से यूज करते हो. अब कनेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? However, moreover, in addition to, ठीक है, so overall, these all are the connectors. Again, जब हम cohesion and coherence पे आएंगे, I will give you the proper examples of all the connectors. पूरी मैं आपको list भेज दूंगी, PDF बनाऊंगी, and then उनके usage भी समझाऊंगी, but अभी हम overview ले रहे हैं, okay? और एक चीज़ गाइस, प्लीज़ डू नॉट ओवर यूज़ द आर्टिकल्स. मैंने बहुत राइटिंग्स में देखा है कि बच्चे आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं. मीन जहाँ द की ज़रूरत नहीं भी है वहाँ पे भी घुसेड़ दोगे. ए एंड द इज नॉट लाइक, इस ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स लिखोगे तो ज़्यादा बैंड स्कोर मिलेंगे. नो, डोंट डू दैट. ओके, नेक्स्ट इज कोहेरेंस. कोहेरेंस मीन्स योर लॉजिकल सीक्वेंस, और यू कैन से योर फॉर्मेट. ओके, जो फॉर्मेट हमने सीखा है, जो हमें पता है कि पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर हम बॉडी पैराग्राफ 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, 3 हम लिख सकते हैं इफ नीडेड, एंड देन कंक्लूजन. ओके, सो डोंट वरी, जब हम कोहेजन एंड कोहेरेंस डिस्कस करेंगे, सो आई विल गिव यू अ प्रॉपर डिटेल कि इसमें क्या लिखना है, ठीक है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड पार्ट, व्हिच इज ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्यूरेसी. एक्यूरेसी में सबसे पहली चीज़ आती है गाइस, टेंसेस. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. आई हैव सीन सम कॉमन मिस्टेक्स इन योर टेंसेस, स्पेशली व्हेन यू गाइस वांट टू राइट इन प्रेजेंट और पास्ट इनडेफिनिट. ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. द फर्स्ट इज डिड यू
saw Mohan yesterday. Second is I went to playground and play cricket. Okay, अब इन दोनों टेंसेस में आपको कुछ मिस्टेक नजर आ रही है? अगर नहीं आ रही तो बिलीव मी यू हैव टू रिवर्स ऑन योर टेंसेस. अगेन हम करेंगे टेंसेस जब हम पैरामीटर्स के हिसाब से चलेंगे हमारी अपकमिंग क्लासेस में. अब इसमें सबसे बड़ा फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डिड लगा हुआ है. सेम सेंटेंस में दो बार सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे आ सकती है? दिस इज ऑल्सो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, डू डिड डन. दिस इज ऑल्सो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो यहाँ पे आना था डिड यू सी मोहन यस्टरडे. और इसमें आई वेंट टू प्ले ग्राउंड एंड प्ले क्रिकेट. सॉरी इट्स डी. नाउ आई वेंट टू प्ले ग्राउंड, यहाँ पे एक सेंटेंस खत्म हो गया. अब ये एंड यहाँ पे प्लेड आना था. ओके यहाँ पे प्लेड आना था. यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आनी थी बिकॉज ये एंड एक कनेक्टर है जिसकी वजह से ये सेकेंड लाइन शुरू हो गई है. ओके सो दिस इज द कॉमन मिस्टेक्स विच आई हैव सीन. एक तो डिड के साथ आप लोग सेकेंड फॉर्म लगाते हो, दूसरा एंड के बाद भी सेकेंड फॉर्म ही लगती है. ठीक है, डोंट वरी, विल डिस्कस इट इन डिटेल्स इन आवर अपकमिंग क्लासेस. नेक्स्ट इज वॉइसेस. दीज आर फॉर द पीपल हु आर वेरी गुड इन इंग्लिश, जिनके टेंसेस बहुत अच्छे हैं. ठीक है, सो हमें सबको पता है कि टेंसेस दो तरीके के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव. ओके सो एक्टिव मीन्स आप डायरेक्ट बोल रहे हो, पैसिव मीन्स आप उसकी वॉइस चेंज करके बोल रहे हो. जैसे आई हैव ईटन फूड, फूड हैड बीन ईटन बाय मी. सो इट्स फॉर द पीपल जिनके टेंसेस बहुत अच्छे हैं या जिनको वॉइस अच्छे से समझ में आते हैं. अगर आपको नहीं आते तो आप ये स्किप भी कर सकते हो, बट अगर आपको आते हैं देन डू पुट इट. नेक्स्ट इज पंक्चुएशंस. गाइस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसमें आप लोगों की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, फुल स्टॉप, कोमा, एक्सक्लेमेटरी साइंस, क्वेश्चन मार्क, सेमी कॉलन, हाइफिन, हम कुछ नहीं डालते हैं. हम मतलब फुल स्टॉप अगर हम डालते होंगे तो डालते होंगे. गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बैंड स्कोर डिडक्ट होते हैं बिकॉज अगर आप ये चीज़ें छोड़ोगे तो आपको आपके बात का मतलब ही बदल जाएगा. ठीक है, सो फुल स्टॉप मीन्स खत्म हो गया, कोमा मीन्स आगे कॉन्टिन्यू है. ठीक है, सो वर्क ऑन योर पंक्चुएशंस ऑल्सो, डोंट वरी, विल हैव द क्लास ऑन दिस ऑल्सो. नेक्स्ट इज कंपैरेटिव्स. कंपैरेटिव्स मीन्स जब भी आप कंपैरिजन कर रहे होते हो दो चीज़ों का. आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द पीपल कि आप लोग कंपैरिजन करते टाइम सही फॉर्म ऑफ डिग्री नहीं यूज़ करते हो. डिग्री जो है वो सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है कंपैरिजन के लिए, ER वाली. ठीक है, शी इज टॉलर देन मी. ओके, आई एम स्मार्टर देन हर. ओके, लाइक दैट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्यूरेसी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रेंज. रेंज मीन्स आप कितने टाइप के सेंटेंसेस यूज करते हो. वी विल हैव द डिटेल्ड क्लास ऑन टाइप ऑफ सेंटेंसेस, स्पेशली ऑन कॉम्प्लेक्स वन. सो द फर्स्ट थिंग इज सिंपल, ये तो आप सब लिखते हो, सिंपल सेंटेंसेस, ही इज अ बॉय, गवर्नमेंट इज डूइंग दिस, नॉर्मल सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी, जिनके पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन आता है. इंटेरोगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, मींस क्वेश्चन मार्क आता है. कॉम्प्लेक्स मींस कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 सेंटेंसेस, विच वी विल डिस्कस इन डिटेल इन आवर फर्दर क्लासेस. ओके सो आर this was our third parameter. Now let's come to the fourth parameter, which is lexical resources, जो कि 90% बच्चों के लिए vocab है. I agree कि vocab ज़रूरी होती है, but इतनी भी नहीं होती कि vocab अकेली vocab डाल के आपका सारा काम हो जाएगा. Vocab ज़रूरी है, हाँ obviously. अब आप good नहीं लिख सकते हो,
ठीक है, या गिव नहीं लिख सकते हो, आपको इसकी जगह अच्छे वर्ड्स लिखने हैं, जैसे सुपीरियर लिख सकते हो आप, या डिवोट लिख सकते हो गिव की जगह, ठीक है। सो डोंट वरी, आई विल गिव यू अ प्रॉपर सिनोनिम PDF जब हम लेक्सिकल रिसोर्सेज पे आएंगे। नेक्स्ट स्पेलिंग, अगेन गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जामिनर को ना ये नहीं चाहिए कि वो आपके कॉपी पे रेड मार्क करे, स्पेशली फॉर स्पेलिंग्स, ठीक है। सो स्पेलिंग्स आने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। अब ग्रामर के स्पेलिंग ये होते हैं, बट बच्चे लिखते हैं ये। सो ग्रामर में ए आता है, ई नहीं आता, ठीक है। सो ये गलती आपके बैंड स्कोर काटती है, ओके। सो वर्क ऑन योर स्पेलिंग्स। बड़े स्पेलिंग्स को आप कैसे वो करके लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, जो स्पेलिंग में आपके एरर्स आते हैं उसको कैसे ठीक कर सकते हो, उसे ठीक करने का सबसे पॉजिटिव और सबसे इजी तरीका ये है कि आप जो है वो वर्ड को छोटा कर लो, ठीक है। सो जैसे आप मान लो आपने आर्किटेक्ट लिखना है, ठीक है। सो आप लिख सकते हो आर की टेक्ट, ठीक है। उसको तीन हिस्सों में काट दिया तो आपको इजी हो गया, लाइक दैट, ओके। सो नेक्स्ट इज एक्यूरेट कोलोकेशंस। गाइस दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी कॉमन मिस्टेक्स डन बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। What is co-location? And guys, if you already know about co-location and you're working on it, believe me, you are on the right track, okay? But I'm sure that 70% of the people don't know about co-location at all. So what is co-location? Co-location means using the right verb, type of form of verb or the word of the verb with noun. Okay, now I'm going to ask you a question. Do you take the exam or do you give the exam? I know 90% of students have said that I have given the exam, I have given my higher secondary exams, I have given my IELTS exam. No, you have taken the exam. So, exam ke saath hamesha take aata hai. Okay? Another thing. There is too much traffic or heavy traffic, which is right? Too much traffic? No, you never say there is too much traffic. That is a wrong location of verb. There is heavy traffic, okay? Yes, accurate tone. You have to sound professional, okay? Aap प्रोफेशनल टोन ही यूज़ कर सकते हो, सिर्फ आप अनप्रोफेशनल टोन यूज़ नहीं कर सकते, ओके। टेक केयर ऑफ दैट, ओके। सो दैट्स इट, दीज वर द पैरामीटर्स। आई होप आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको कैसी लग रही है, बिकॉज दैट विल ऑब्वियसली इनकरेज मी टू मेक मोर वीडियोज़। सो please like, share and subscribe for daily classes, and if you want one-to-one classes, contact me personally, okay? My contact details are given at the end of the video. Now, common question answers which you guys have been asking me. The first question which I am getting is, दी हमारे टेस्ट का क्या होगा, हमें और पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि फीस बढ़ गई है, तो यहाँ हमारा उसी में हो जाएगा। डोंट वरी, आपका उसी में, आपने जो फीस पे की हुई है उसी में आपका एग्ज़ाम रीशेड्यूल हो जाएगा, आपको दोबारा और पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, क्या IELTS की फ़ीस बढ़ चुकी है? येस, IELTS एग्ज़ाम की फ़ीस बढ़ चुकी है, बट इट्स अ वेरी नॉमिनल चेंज, ज़्यादा नहीं बढ़ी है, सो इट्स ओके। बट अब अगर आप अपना टेस्ट फिल करते हो तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे मोर। थर्ड थिंग इज दी वीज़ाज़, क्या क्या होगा, हमारा फ्यूचर तो नहीं ख़राब हो जाएगा?
नहीं ऐसा कुछ नहीं है गाइस, वीज़ाज आपको नॉर्मल ही प्रोसेसिंग होगी. गवर्नमेंट्स विल नॉट टेक द डिसीजन टू प्ले विद द स्टूडेंट्स फ्यूचर बिकॉज ऑब्वियसली एवरी इकोनॉमी वॉन्ट्स टू ग्रो एंड यू आर द चांस फॉर दैट इकोनॉमी टू ग्रो, सो डोंट वरी. नाउ द लास्ट थिंग इज माई डिटेल्स. सो अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब for daily classes and for one-to-one classes contact me on the below given details. You can find my channel Ielts Guru on the YouTube. You can WhatsApp me or call me. I'll prefer you WhatsApp me because most of the times I am busy taking classes, so WhatsApp me on the given number. I'll definitely revert you back. You can mail me or you can DM me on my Instagram account, which is Ielts Online Classes, and my Gmail ID is ielsguru616@gmail.com. and if you don't want to do anything else, please comment down the video. I will really feel appreciated and happy अगर आप मुझे बताओगे कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है मेरी वीडियोस में और क्या चीज़ नहीं लग रही है, आप क्या चाहते हो कि मैं क्या चेंज करूँ. आई विल डू दैट ऑल्सो. सो हम फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ. अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर.